Again, a very good morning to all of you. This is Abhilasha Naharda, your social science teacher, and today we all are going to continue this chapter number 3 of your geography book, and the name of your chapter is drainage. In our last class we have discussed about what is drainage and what is drainage basin, okay? And after that we talked about the basic difference between Himalayan rivers and the peninsular rivers, right? So now we will talk about Himalayan rivers today, okay? And before that I would like to explain these features, okay? Explain these terms to you. So first of all, a features made by rivers, okay? Meander is a term here, meander and oxbow. Look, what is meander? देखो, ये एक फ्लड प्लेन है या फिर एक मेन रिवर है. मेन रिवर यहाँ से फ्लो करते हुए आ रही है, फ्लो करते हुए आ रही है. ये जो कर्व्स देखते हो, ठीक है, ये जो कर्व्स देख रहे हो, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? मियंडर बोलते हैं, ठीक है. ये देखो, ये ऐसे 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 होते हुए आ रही है ना, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये जो कर्व्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम मियंडर्स बोलते हैं, ठीक है. ऑक्सबो लेक क्या होता है? ऑक्सबो लेक का मतलब होता है, ये देखो, रिवर फ्लो करते हुए आ रही है, फ्लो करते हुए आ रही है, ऐसे टर्न्स लेती रहती है, टर्न्स लेती रहती है, और ऐसे फ्लो करते हुए आती है. तो ऐसे टर्न करते करते बहुत टाइम से यही रास्ता चलता है, और ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये क्या होता है, कुछ टाइम बाद ऐसे ना रिवर से सेपरेट होने लग जाता है और ये अलग से लेक का फॉर्म ले लेता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक कहते हैं. क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक बोलते हैं. ओके, तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपके बनाते हैं रिवर्स. उसके बाद जॉर्ज करके एक आया है, ठीक है, टर्म. व्हाट इज जॉर्ज? ठीक है, टू हिमालयन. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दिस इन आवर लास्ट चैप्टर. दो हिल्स हैं, ठीक है, दो हिल्स के बीच में से जैसे कोई रिवर निकल रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जॉर्ज बोलते हैं, ठीक है. दो लॉन्ग लॉन्ग हिल्स है, दो लॉन्ग ऐसे लैंड है, और लैंड के बीच में से जो रिवर्स निकलती है, उस रिवर को हम, ठीक है, या फिर उस एरिया को हम जॉर्ज बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट इज एस्चुरीज. व्हाट इज एस्चुरीज? एस्चुरीज क्या होता है? एस्चुरीज बेसिकली जब दो रिवर्स, मतलब नॉर्मली जो है, दो रिवर्स जो है आपस में आती है, आने के बाद क्या है, एक मेन रिवर में जाके मिल जाती है, ठीक है. ये रिवर्स जो है सॉल्ट लेक में, ठीक है, हो सकता है ओशियंस में जाके मिल जाएं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एस्चुरीज बोलते हैं. बट जो डेल्टास होते हैं, वो डेल्टास क्या होता है? एक ही रिवर है, एक ही रिवर अपने बहुत सारे ऐसे एक ही रिवर से बहुत सारे ऐसे माउथ बनने लग जाते हैं, ठीक है, और ये माउथ बन के क्या होता है, मेन रिवर में जाके, या और साथ में अपने बहुत सारे सेडिमेंट्स भी लेकर आती है, और ये मेन रिवर में जाके या मेन ओशियन में जाके मिल जाते हैं. तो ये क्या होता है? ये डेल्टा होता है. एस्चुरीज में नॉर्मली फ्रेश वाटर ही होता है, जो क्या है, बेसिकली ज्यादा उसमें नहीं होता है, दो ही रिवर्स होती है या फिर दो फॉर्म्स ले लेती है, और वो मेन रिवर में जाके मिल जाती है. फ्रेश वाटर जो है सॉल्ट वाटर में जाके मिल जाता है, ओशन में जाके मिल जाते हैं, या लेक में जाके मिल जाते हैं. तो दैट इज एस्चुरीज. एस्चुरीज के एग्जाम्पल है आपके नर्मदा और तापी. डेल्टास के एग्जाम्पल है ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज देयर, गंगा डेल्टा इज देयर, ठीक है, तो ये आपके डेल्टास हैं. ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज हिमालयन रिवर्स. सो वी विल टॉक अबाउट इंडस रिवर सिस्टम. वी हैव बेसिकली थ्री हिमालयन रिवर्स, ठीक है. कौन कौन से हिमालयन रिवर्स हैं आपकी? गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर सिस्टम. दीज आर द थ्री रिवर सिस्टम जो इंडस रिवर प्लेन है, जो हमने हिमालयंस को थ्री जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन. तो रिवर्स के बेसिस पे किया था. तो पंजाब प्लेन आपका इंडस रिवर सिस्टम के बेसिस पे था, ये गंगा प्लेन आपका जो था वो गंगा रिवर के सिस्टम के बेसिस पे था, एंड जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है या आसाम प्लेन है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के बेसिस पे था. तो हिमालयन रिवर्स में ये थ्री इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. सो वी विल टॉक अबाउट इंडस रिवर सिस्टम टूडे.
So basically, what is river system? A river along with its tributaries may be called a river system. ठीक है, एक रिवर है, रिवर के साथ बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आती हैं. ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? स्मॉल रिवर विच जॉइन द मेन रिवर इज नोन एज ट्रिब्यूटरी. ठीक है, जैसे मैंने अब इंडस की जैसे झेलम हो गया, ठीक है, चेनाब हो गए, ये कुछ सतलज हो गया. ठीक है, ये क्या है? झेलम के, ये सॉरी, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है, रावी रिवर हो गई, तो ये आपकी ट्रिब्यूटरीज है. तो जब अ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम. ओके, सो इंडस हमारा है कहाँ? ये देखो, ये वाला आपका पूरा इंडस रिवर सिस्टम है, ये वाला पूरा एरिया आपका इंडस रिवर सिस्टम है. यहां से यहां तक का ये वाला एरिया, दिस इज इंडस रिवर सिस्टम. ओके, यहां से फिर आपका गंगा प्लेन आ जाता है. दिस इज इंडस रिवर सिस्टम. सो ये आपका, देखो मैंने इनलार्ज करके भी यहाँ पे रखा हुआ है. मेन रिवर इंडस है, उसको अब बहुत सारी रिवर्स जो है ज्वाइन कर रही है. इंडस रिवर है, झेलम ज्वाइन कर रही है, चेनाब हो गया, ठीक है, सतलज हो गया, ये सारे रिवर्स हैं आपकी जो ज्वाइन कर रही है इंडस रिवर सिस्टम. सो नाउ द इंडस रिवर राइजेज इन टिबेट नियर द लेक मानसरोवर. मानसरोवर आप सबको पता ही होगा मानसरोवर क्या है. ठीक है, मानसरोवर आपका जो है हिमालयाज में वन ऑफ द माउंटेन है. ठीक है, जो यहाँ पे टिबेट प्लेट्यू, टिबेटियन प्लेट्यू, टिबेट में, ठीक है, चाइना में बोलेंगे हम, यहाँ पे जो है यहाँ से फ्लो करते हुए यहाँ से निकलती है आपकी जो है इंडस रिवर. ठीक है, और ऐसे फ्लो करते हुए ऐसे यहाँ पे जाके पंजाब, पाकिस्तान से जाके, अरे पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में क्या कर देती है, वो ड्रेन हो जाती है. तो इंडस रिवर सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इंडस रिवर सिस्टम आपका स्टार्ट हो रहा है, राइज हो रही है टिबेट से, लेक मानसरोवर के साइड से, लेक मानसरोवर से इसका राइज हो रहा है. फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख. कहाँ पे फ्लो कर रही है? अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है इंडस रिवर सिस्टम. ठीक है, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से स्टार्ट होते हुए वेस्ट के साइड में ये फ्लो कर रही है. आप गंगा, गंगा को देखोगे, ब्रह्मपुत्र को देखोगे, ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है, बट ये इंडस रिवर जो है वेस्ट में फ्लो कर रही है. ठीक है, और लद्दाख को ज्वाइन करती है. इंडिया में कब एंटर होती है? इंडिया में लद्दाख में एंटर होती है आपकी इंडस रिवर. इट फॉर्म्स अ पिक्चरस्क्यू गॉर्ज इन दिस पार्ट. ठीक है, पिक्चरस्क्यू गॉर्ज. गॉर्ज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है गॉर्ज. ठीक है, दो लैंड फॉर्म्स है, दो लैंड फॉर्म्स के बीच से जो एक रिवर निकलती है उसको हम, जो ये जो एरिया है इसको हम गॉर्ज बोलते हैं. तो इट फॉर्म्स अ पिक्चरस्क्यू गॉर्ज. पिक्चरस्क्यू गॉर्ज जो है ये इस पार्ट पे बनाता है लद्दाख का, जो लद्दाख में जब एंटर करते हैं तब, मतलब देखने लायक सीन होता है. ठीक है, बहुत सुंदर है. नेक्स्ट इज सेवरल ट्रिब्यूटरीज, द जिस्कार, द नुब्रा, द शायोक, द हुंजा ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन. इसके कुछ आपके इंडस रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज के नेम है, जिस्कार हो गई, नुब्रा, शयोक, हुंजा, जो कश्मीर रीजन में ये ट्रिब्यूटरीज इंडस रिवर को ज्वाइन करती है. द इंडस फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलजित एंड एमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटॉक. ठीक है, इंडस कहाँ कहाँ से? बाल्टिस्तान, गिलजित एंड ये कुछ वहां पे माउंटेन पीक से, वहां से एंटर होते हुए क्या है, इन माउंटेन्स से निकलते हुए क्या है, अटॉक में जाती है, अटॉक से होते हुए जाती है. द सतलज, बीज, रावी, चेनाब एंड झेलम ज्वाइन टूगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान. ये देखो, जस्ट लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, पता चल जाए. नॉट मैप ऑफ इंडिया, मैप देखो. यहाँ पे झेलम हो गया, इंडस रिवर है ये मेन. ठीक है, जहाँ पे झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई, ये सारे रिवर्स जो हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है, इंडस को ज्वाइन कर रहे हैं. झेलम, मिठान, ये कहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं? नियर मिठानकोट, पाकिस्तान में मिठानकोट है, वहां पे ये रिवर्स, ये ट्रिब्यूटरीज जो हैं इंडस रिवर को ज्वाइन कर रही है. बियॉन्ड
Beyond this, the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea east of the Karachi. ठीक है, अब वेस्ट होते होते क्या है, अब साउथ की डायरेक्शन ले लेती है और यहाँ पे कराची के पास में क्या है, अरेबियन सी में आके ड्रेन कर लेती है. द इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप, स्लोप काफी जेंटल है यहाँ का. टोटल लेंथ जो है इंडस रिवर की 2900 किलोमीटर की है एंड इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. 2900 किलोमीटर तक की इसकी क्या है लेंथ है. A little over a third of the Indus basin is located in India, Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab and the rest is in Pakistan. India में क्या है, Indus basin का जो है, India में Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh और Punjab region में Indus river flow करती है और बाकी जितनी भी Indus river है वो Pakistan में flow कर रही है या फिर China में flow कर रही है. Now there is a do you know box mentioned in your book. According to the regulation of the Indus water treaty, what treaty means क्या होता है, agreement between two countries specially, ठीक है, दो countries के बीच में जो agreement होता है उसको हम treaty बोलते हैं. So according to the regulations of the Indus water treaty 1960 में साइन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम. ओनली 20% वाटर जो है इंडस रिवर का इंडिया यूज कर सकती है एंड इस वाटर को यूज इंडिया जो है पंजाब, हरियाणा और सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में इरिगेशन के हेल्प में आती है. पंजाब, हरियाणा, सदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में हम इंडस रिवर के पानी का यूज करते हैं, इंडस रिवर के वाटर का यूज करते हैं. ओके, सो नाउ योर नेक्स्ट रिवर सिस्टम इज द गंगा रिवर सिस्टम. ठीक है, गंगा रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया की, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया. ठीक है, कहाँ से फ्लो कर रही है, इसका जो मेन एरिया है कौन सा है, रिवर बेसिन, रिवर सिस्टम गंगा का, ये रहा गंगा रिवर सिस्टम आपका, ये वाला है, ये आपका गंगा रिवर सिस्टम है. ठीक है, ये वाला एरिया, दिस इज गंगा रिवर सिस्टम. टॉपिक गंगा रिवर सिस्टम, बेसिकली दिस एरिया, दिस इज द गंगा रिवर सिस्टम. ठीक है, ये वाला जो एरिया है आपका गंगा रिवर सिस्टम का है. ठीक है, दिस इज द इनलार्ज पिक्चर ऑफ गंगा रिवर सिस्टम. जस्ट लुक एट दिस, हाउ मेनी ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज आर देयर, हाउ मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा आर देयर. ठीक है, ओनली दिस इज द मेन रिवर. ठीक है, दिस इज द मेन रिवर गंगा, ये दैट डार्क ब्लू, नेवी ब्लू. ठीक है, गंगा रिवर दिस इज, एंड सो मेनी ट्रिब्यूटरीज आर लाइक ज्वाइनिंग गंगा. ठीक है, सो दिस इज द लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम और लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन. ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द वर्ल्ड. सो मेनी ट्रिब्यूटरीज आर जॉइनिंग गंगा. ओके, सो नाउ द गंगा रिवर सिस्टम, सो इट ओरिजिनेट्स, द हेडवाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द कॉल्ड इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय एट भागीरथी एंड अलकनंदा. ठीक है, नाउ गंगा रिवर सिस्टम जो है आपका, गंगा रिवर जो है कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होते हुए आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा रिवर जो है अपने हेडवाटर्स लेकर आती है. देन भागीरथी एंड अलकनंदा. ठीक है, भागीरथी नेम से है, फिर भागीरथी और अलकनंदा एक ज्वाइन होती है कहाँ पे, देवप्रयाग में. वैसे ही आपके फाइव आप बोल सकते हो प्रयाग है, देवप्रयाग, नंदीप्रयाग और रुद्रप्रयाग, ऐसे करके फाइव प्रयाग से जहाँ पे अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा और भी ऐसे स्मॉल स्मॉल रिवर्स हैं जो जो क्या कर रही है, जो ज्वाइन कर रही है गंगा को, अलकनंदा को, एंड आगे जाके क्या है वो गंगा रिवर बन जाती. जब अलकनंदा और भागीरथी रिवर जब देवप्रयाग में ज्वाइन करती है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है वैसे देवप्रयाग, यू कभी जाने का मौका मिले तो प्लीज जरूर जाइएगा. ठीक है, देवप्रयाग सॉरी भागीरथी एंड अलकनंदा जब ये दोनों रिवर्स साथ में ज्वाइन होती है तो उसे हम, वहां से इस रिवर का नाम जो है गंगा रिवर स्टार्ट हो जाता है. बेसिकली वैसे गंगा रिवर्स जो है गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट हो जाती है. सो एट हरिद्वार द गंगा एमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स. ठीक है,
अब उत्तराखंड में जो हरिद्वार है, बेसिकली सारा जितना भी एरिया है आपका माउंटेनियस प्लेन है, भागीरथी अलकनंदा ये पूरा आपका माउंटेनियस प्लेन है, बट हरिद्वार जो है उत्तराखंड का आपका जो प्लेन एरिया है, ठीक है, वहां पे आपका जो गंगा है वो प्लेन्स में आ जाती है, ठीक है, प्लेन एरिया में आ जाती है, ना कि माउंटेनियस एरिया में रहती है. सो फर्दर कमिंग ऑन द प्लेन्स, रिवर गंगा इज ज्वाइंड बाई मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम हिमालयस. फर्दर कमिंग ऑन द प्लेन्स, रिवर गंगा इज ज्वाइंड बाई मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम हिमालय. सो मेनी ट्रिब्यूटरीज आर देयर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट, जस्ट लुक एट दिस. यहाँ से अमर्ज हो रही है गंगा, ठीक है, भागीरथी अलकनंदा, फिर ऋषिकेश, फिर यहाँ पे प्लेन एरिया में आ गई है गंगा, फिर इसको राम गंगा ज्वाइन कर रही है, यमुनोत्री से यमुना अमर्ज होके भी आ रही है, फिर इलाहाबाद में जाके मिलती है गंगा से, गोमती हो गई, गोमती नदी, घाघर नदी, ताप्ती नदी, ठीक है, सोन रिवर, सिंध रिवर, चंबल रिवर, बहुत सारी ऐसे रिवर्स हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की जो ज्वाइन करती है प्लेन में, ठीक है. सो यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर्स इन द हिमालयस, इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स एट द गंगा, मीट गंगा एट इलाहाबाद. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जस्ट लुक एट दिस, यहाँ यमुनोत्री यहाँ से स्टार्ट होती है, पैरेलल चल रही है यमुना, इलाहाबाद में जाके दोनों रिवर गंगा और यमुना रिवर जो है मिलते हैं, ठीक है, संगम भी जिसे बोला जाता है. नेक्स्ट इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, दिस इज इंपॉर्टेंट. लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होगी, ठीक है. अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जस्ट लुक एट दिस मैप, ठीक है. अब ट्रिब्यूटरीज जो है गंगा रिवर, ये रही, दिस इज द मेन गंगा रिवर, ठीक है, दिस इज द मेन गंगा रिवर, ये देखो ये गंगा रिवर है मेन. अब आप इसके देखते हो लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में जो है आपके बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज गंगा को ज्वाइन कर रही है. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड, हमने गंगा रिवर सिस्टम में एक लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ऐसे करके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. अब क्वेश्चन आता है, मैम लेफ्ट और राइट डिसाइड कैसे किया, ईस्ट से डिसाइड किया कि आपने वेस्ट से डिसाइड किया. इफ यू आर लुकिंग, इफ योर फेस इज एट ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि अब गंगा ईस्ट से यहाँ, सॉरी नॉर्थ से एमर्ज हो रही है, ठीक है, और ये वेस्ट है, ठीक है, यहाँ से एमर्ज हो रही है, तो हम इस साइड को क्या बोलेंगे, ये आपका राइट साइड हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा. व्हेन वी आर स्टैंडिंग हेयर, हमारा फेस जो है ईस्ट के डायरेक्शन में है, इससे हमने लेफ्ट बैंक और राइट बैंक के में डिवाइड कर दिया, ठीक है. अब देखो लेफ्ट बैंक में घाघरा रिवर, गांडक रिवर, कोसी रिवर, दीज आर सम ऑफ द रिवर्स और दीज आर सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा. और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है कौन कौन सी है, चंबल, बेटवा, सोन रिवर, ठीक है, ये सोन रिवर आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू से राइज होती है, तो ये कुछ आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है. मैप देखोगे तो काफी क्लियर हो जाएगा आपका ये कॉन्सेप्ट. देखो यहाँ से घाघरा रिवर, गोमती रिवर, राम गंगा, ठीक है, ये सब आपके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, और ये जितनी भी ये वाली रिवर्स हैं, ये वाली ट्रिब्यूटरीज है, सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है. देखो चंबल हो गया, सिंध हो गया, ठीक है, आपका बेटवा हो गया, केन हो गया, टॉम्स हो गया, सोन रिवर हो गया, ये सब आपकी गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है. ओके, नाउ फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर, ठीक है, ये जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसको हम फ्लड पार्ट भी बोलते हैं. नॉर्दर्न प्लेन फ्लड पार्ट देखते हैं कि फ्लड मोस्टली इसी एरिया में आता है, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वेयर एज दे एनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल यूज, ठीक है, वाइड डैमेज है, लाइफ का डैमेज है, प्रॉपर्टी का डैमेज है, बट साथ में जो सॉइल के लिए काफी रिच न्यूट्रिएंट्स लेकर आती है, एग्रीकल्चर यूज के लिए काफी बेटर प्लेन है. राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज मतलब कि जो लेंथ है काफी छोटी है, एंड साथ में वो ज्यादा पानी नहीं लेकर आती है, ठीक है, क्योंकि पेनिनसुलर रिवर्स से एमर्ज होते हुए आ रही है, पेनिनसुलर प्लेट्यू से एमर्ज होते हुए आ रही है, ये सारी पेनिनसुलर रिवर्स है, सोन रिवर और ये जितनी भी आप देख रहे हो बेटवा रिवर, सारी पेनिनसुलर प्लेट्यू है, कोई भी माउंटेन इनका माउथ नहीं है वाटर का, ठीक है,
माउथ नहीं है, वो क्या है, ये सारा का सारा क्या है, आपका पेनिनसुलर रिवर। एंड पेनिनसुलर रिवर आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि सीजनल है नेचर में, बाकी हिमालयस जो है पेरिनियल है। सो नाउ डू यू नो नमामि गंगे प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द इंडियन यूनियन इन जून 2014 टू अकम्प्लिश द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इफेक्टिव अबैटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ द नेशनल रिवर गंगा। 2014 में, ठीक है, ये जो हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है राइट नाउ, उस टाइम पे 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई थी एंड दे स्टार्टेड द प्रोग्राम नमामि गंगे प्रोग्राम बाय फॉर द कंजर्वेशन ऑफ गंगा, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ गंगा, फॉर द अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ गंगा। ठीक है, हमारी जो नेशनल रिवर है गंगा रिवर, इसके कंजर्वेशन के लिए, रेजुविनेशन के लिए, इसके इस जो पोल्यूशन, इस जो वाटर पोल्यूशन जो गंगा रिवर में हो रहा है उसके अबेटमेंट के लिए क्या है, ये प्रोग्राम लॉन्च किया था हमारे यूनियन गवर्नमेंट ने। सो नाउ फर्दर कैरिंग वाटर फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड स्टिल। फरक्का इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा इन वेस्ट बंगाल। इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, ठीक है, इंडिया में जो गंगा का जो फर्दर मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, नॉर्थ से एमर्ज होते हुए आ रही है, ठीक है, ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ये वाला देखते हो फरक्का दिख रहा है आपको। वेस्ट बंगाल में फरक्का करके जगह का नाम है, ये आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया में गंगा का। उसके बाद जो गंगा है आपके बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, यहाँ से फरक्का पॉइंट है, फरक्का पॉइंट के बाद बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। एंड फरक्का को आप दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, भागीरथी हुगली और पद्मा। भागीरथी क्या है, ये भागीरथी हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ओनली डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की हुगली रिवर। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जब मेन रिवर से स्मॉल रिवर निकल के आ जाती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। बट ट्रिब्यूटरी क्या होती है, स्मॉल स्मॉल रिवर्स और स्ट्रीम्स जब मेन रिवर में एंटर करती है उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो भागीरथी हुगली इज द ओनली डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा एंड इट फ्लोज इन टू बे ऑफ बंगाल। एंड पद्मा, ठीक है, गंगा को वेस्ट बंगाल, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। गंगा एंटरिंग इनटू बांग्लादेश मेन स्ट्रीम फर्दर फ्लोज एंड जॉइंस ब्रह्मपुत्र। मेन स्ट्रीम जब बाद में क्या होता है, देखो यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर कर जाती है यहाँ पे, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है ये रिवर यहाँ पे इस पॉइंट पे। लेट मी मार्क इट फॉर यू, ये देखो ये फरक्का रेंज है, फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल जाते हैं और आगे जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज दिस माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इज नोन एज मेघना। ठीक है, और यहाँ पे जब गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है, दोनों ही बांग्लादेश में जब मिल जाती है तो इसको क्या नेम दे रखा है बांग्लादेश में, मेघना रिवर के नेम से जानी जाती है। यहाँ पे पद्मा बोलते हैं खाली गंगा को, ठीक है, फिर यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्र और पद्मा दोनों मिल जाती है, ठीक है, तो उसको क्या नेम दे रखा है, मेघना रिवर दे रखा है। बाकी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर, जो सेपरेट ब्रह्मपुत्र रिवर आती है उसको क्या बोलते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, सो दीज रिवर्स फॉर्म्स द सुंदरबंस डेल्टा। ये जो रिवर्स है सुंदरबंस डेल्टा बनाती है, सुंदरी ट्रीज से डिराइव हुआ है सुंदरबन जो नेम है। एंड ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। रॉयल बंगाल टाइगर हमें काफी मिलते हैं इस डेल्टा में। लेंथ क्या है इस डेल्टा की, 2500 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। अंबाला वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। इंडस और गंगा रिवर सिस्टम में का जो वाटर डिवाइड है, अब देखो यहाँ से इंडस निकल रही है और यहाँ से क्या है गंगा निकल रही है, तो ये वाटर डिवाइड जो है इसका नाम क्या है, अंबाला वाटर डिवाइड है। अंबाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर। फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर ऑफ फॉर एवरी 6 किलोमीटर, देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मीएंडर्स। अब सुंदर अंबाला से सुंदरबन स्ट्रेच तक जो है ये गंगा रिवर 1800 किलोमीटर तक का एरिया है
और इसके जो स्लोप्स हैं काफी स्लोप्स हैं, ठीक है, ये हर 6 किलोमीटर में जो गंगा रिवर है वो ऐसे टर्न कर रही है, तो इसके जो मियंडर्स हैं, मैंने आपको बताया था ना ये जो पार्ट होता है इसको हम मियंडर बोलते हैं, काफी मियंडर्स ये जो है गंगा रिवर बनाती है, हर 6 किलोमीटर में एक मियंडर आपको मिल जाएगा, सो देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मियंडर्स। ओके सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट गंगा रिवर सिस्टम, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। ओके गो थ्रू दिस टॉपिक हिमालयन रिवर्स एंड अंडर हिमालयन रिवर्स गो थ्रू द इंडस रिवर सिस्टम एंड द गंगा रिवर सिस्टम एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो। ओके चलो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।